अंदाज। चलने का ढंग हो या बोलने का तरीका, चश्मे से लेकर कपड़े तक सब कुछ बालासाहेब ठाकरे से हूबहू मिलता हुआ। कार्टून के जरिए विरोधियों पर निशाना तो वहीं हिंदुत्व से शिवसेना की नींव हिलाना। हम बात करने जा रहे हैं 55 साल पुरानी पार्टी शिवसेना के लिए मुसीबत बने राज ठाकरे की। जी हां, कल हनुमान जयंती पर महाआरती से जिस तरीके से राज ठाकरे ने पूरी दुनिया को चौंकाया है, उसके बाद उद्धव ठाकरे की नींद हराम हो चुकी है। संजय राउत, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, पवार फैमिली भी अब सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें वायरल कराने में लगे हुए हैं ताकि हिंदुत्व पर करारा जवाब राज ठाकरे को दिया जा सके। लेकिन राज ठाकरे ने जो दांव खेला उसका तोड़ किसी के पास नहीं है। राज ठाकरे ने जिस तरीके से बाला साहब के गेटअप में महाआरती की, उसके बाद हर तरफ चर्चा राज ठाकरे की हो रही है। तुलना बाला साहब ठाकरे से की जा रही है। कहा जा रहा है कि अब असली रूप में राज ठाकरे आ चुके हैं और महाराष्ट्र को बाला साहब ठाकरे की जगह पर राज ठाकरे मिलने जा रहा है। उनकी छवि अब राज ठाकरे में दिखने लगी है। शिवसेना को टक्कर देते राज ठाकरे की अगर हम बात करें तो राज ठाकरे का जन्म 14 जून 1968 को हुआ। शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के भतीजे हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख शिवसेना के सबसे बड़े राजनैतिक दुश्मन हैं। बाला साहब ठाकरे के बाद ठाकरे खानदान का सबसे करिश्माई नेता। बाला साहब ठाकरे के गेटअप में महाआरती से महाविजय का आगाज करने वाले राज ठाकरे कितना कामयाब होंगे अब आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन बाला साहब ठाकरे के भतीजे और राजनीतिक शिष्य राज ठाकरे अब शिवसेना को खत्म करने जा रहे हैं, ऐसी चर्चाएं सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में शुरू हो गई हैं। ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि कितनी कामयाबी राज ठाकरे को मिलती है इस महाआरती के बाद और हिंदुत्व को लेकर जो बयानबाजी उनके तरफ से की जा रही है। लेकिन वर्चस्व की इस लड़ाई में हिंदुत्व पर शिवसेना को टक्कर देने वाले राज ठाकरे ने शिवसेना के नाक में दम कर रखा है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने फायर ब्रांड नेता संजय राउत को राज ठाकरे पर छोड़ा, लेकिन हाल वही हुआ जैसे शेर के सामने गीदड़ का होता है। बयानों पर जिस तरीके से वार पलटवार चले, लेकिन राउत भी उतने कामयाब नहीं हो पाए जिस तरीके से मनसे ने अपना अंदाज दिखा दिया। शिवसेना जो हर तरफ अपने पोस्टर बैनर लेकर पहुंच जाती है और जिस तरीके की पॉलिटिक्स अब तक करती आई है, ठीक वैसे ही मनसे ने भी शुरू कर दिया है। और राज ठाकरे पर अगर कोई भी बयान संजय राउत देते हैं तो उन्हें उसी अंदाज में धमकी भरे पोस्टर बैनर से जवाब दिया जाता है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने राज ठाकरे पर बयान क्या दिया, मनसे के नेताओं में आग सी भड़क गई और मनसे के नेताओं ने उनके ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया और पोस्टर चस्पा कर दिए और यह भी बता दिया कि राज ठाकरे पर अगर कोई बयानबाजी की गई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथ ही उन्होंने बाल ठाकरे के अंदाज में वो पोस्टर लगा दिए जिसमें ये बताया गया कि संजय राउत जो आपके साथ पहले मन से कर चुकी है, अब उससे कहीं खतरनाक आपके साथ हो सकता है। दरअसल आप सभी को याद होगा, एक वक्त पर संजय राउत की कार पलट जाती है और उसमें नाम आता है मनसे के कार्यकर्ताओं का। अब मनसे के कार्यकर्ताओं ने यही फिर से धमकी संजय राउत को दी है। इससे पहले राज ठाकरे पर एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन राज ठाकरे रुकने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। उद्धव ठाकरे को लगातार चुनौती दे रहे हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बयान उद्धव ठाकरे के लिए सरदर्द बन गए हैं। राज ठाकरे अब हिंदुत्व का सहारा लेकर अपनी खोई हुई जमीन तलाश रहे हैं, तो वही शिवसेना की जमीन खिसकाने में लगे हुए हैं। राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर को लेकर बयान क्या दिया, पूरे देश में हवा चल पड़ी। अब हर जगह इसे बैन करने की मांग की जा रही है। लाउड स्पीकर से अजान बंद हो राज ठाकरे ने 3 मई तक का अल्टीमेटम दे दिया उद्धव ठाकरे सरकार को। उद्धव ठाकरे सरकार को जो अल्टीमेटम दिया गया राज ठाकरे की तरफ से, उस पर संजय राउत का भी बयान आया, लेकिन संजय राउत यहाँ भी गलती कर बैठे। दरअसल संजय राउत ने कह दिया कि शिवसेना को अल्टीमेटम सिर्फ और सिर्फ बालासाहेब ठाकरे ही दे सकते थे। अब संजय राउत का यह बयान राज ठाकरे की तुलना बालासाहेब ठाकरे से करा ही गया। वहीं चुनाव से पहले संजय राउत का ये कहना कि भाजपा के लिए जैसे ओवैसी ने यूपी में काम किया, वैसे ही राज ठाकरे महाराष्ट्र में कर रहे हैं, यहाँ तक महाराष्ट्र का ओवैसी भी बता डाला। ये बयान दिखाता है कि शिवसेना किस प्रकार से डरी हुई है और इसीलिए राज ठाकरे पर कुछ दिन पहले एफआईआर दर्ज करवा दी गई थी। मामला था तलवार दिखाने का। जबकि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी शस्त्र प्रदर्शन कर चुके हैं, उनकी तस्वीरें भी वायरल हैं, लेकिन जब यही राज ठाकरे करते हैं तो आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है। बात इतनी सी है कि शिवसेना समझ नहीं पा रही कि राज ठाकरे को रोके तो रोके कैसे। बहरहाल हनुमान जयंती पर राज ठाकरे की महाआरती पर आपका क्या कहना है, और जिस तरीके से महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने बालासाहेब ठाकरे की जगह लेने की शुरुआत की है, उस पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।